हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन योर यूट्यूब चैनल। बच्चों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि फिजिक्स के इस प्यारे से खूबसूरत चैनल पर आप लोगों को बहुत ज्यादा मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम आप लोग विजिट तो किए, तो विजिट तो कर दिए तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ जिसके लिए आप विजिट किए, जिस चीज को देखने के लिए आप विजिट किए हैं उसके आज आप लोग सम्राट हो जाओगे, यानी कि वो टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। आज मेरा लेक्चर है 20 लेक्चर, यानी कि 20वां लेक्चर है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का 20वां लेक्चर आपके सामने है। 19 लेक्चर मैंने बता दिया अभी तक, और उस 19 लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का क्या होता है, बहुत आसानी से मैंने बताया, टिपिकल नहीं बताता। इस चैनल की खासियत होती है बच्चों कि कभी भी आपको कोई भी टॉपिक बहुत इजी वे से मिलेगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, हाई फाई लैंग्वेज में नहीं, जिसको आप कभी समझ ही ना पाओ, और फील्ड के साथ मिलता है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने क्या किया उस पूरे वीडियो को नहीं देखा जाके देखिए, 100% मैं गाड़ी लेता, मजा आ जाएगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे है, और कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल था, या एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आज मैं इस लेक्चर में, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, और बहुत इजी वे से, बहुत भयंकर तरीके से नहीं, डरते हैं ना एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बहुत कठिन होता है, ऐसा होता वैसा होता, मैं कुछ भी नहीं मानता, बहुत इजी होगा, आप देखिएगा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और देखिए एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व होता है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फील्ड के साथ कॉस थीटा क्यों होता है, साइन थीटा क्यों नहीं हुआ, तो ये सब बताने के बाद फिर आपसे हम बात करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो बी रेडी फॉर एनसीईआरटी प्रॉब्लम एंड क्लियर टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्लास। यहां कुछ राइट हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं पहले बताता हूं क्या लिखा है यहां पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जान ले लेगा मेरा क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पता चल गया होगा कि आपके पास एक सरफेस है, आपके पास क्या है, सरफेस है, और उस सरफेस से कितना फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं, तिरछा, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चीरता फाड़ता हुआ जाए, कैसे जाए, चीरता फाड़ता हुआ। भाई कुछ एग्जांपल ही नहीं मिलता, ठीक है, कल से कुछ रखूंगा, ठीक है, आपके लिए एग्जांपल के लिए। आपके पास एक ऐसे देखो ना, इमेजिनरी करो एक सरफेस है, और उस सरफेस से कितना फील्ड है परपेंडिकुलर चीरता फाड़ते हुए जाए, प्रतिमान की तरह जितना जाएगा उसी को काउंट कर लो, पकड़ लो हाथ में ऐसे, पकड़ तो नहीं सकते हो, बस समझ सकते हो ना, कहां तक क्लियर करो भाई, फील करो बस, इतनी बात समझो कि आपको फील करें ऐसे। तो आपके पास एक सरफेस था और ऐसे चिपटी फाटी जा रही परपेंडिकुलर लेकिन जा रहा है, उन्हीं को काउंट कर लो, वही होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए यहां पे फिगर, ये मैंने सरफेस बनाया, इसका एरिया बोटे कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, यूं परपेंडिकुलर जा रहा है, तो कितना गया, 1 2 3, कितना जा रहा है यहां पे, 1 2 3। तो बच्चों यहां पे जब 1 2 3 गया, जब तीन लाइन जा रही है तो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उन्हीं को काउंट तो करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा होगा इतनी बात, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल रहा है कि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर हो गया इसी तरह, और एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, इसी तरफ हो गया, तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रहा हो तो याद रख लो थीटा कल टू 0, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बना एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया वेक्टर। अच्छा इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है बच्चों फाई ई, इसका सिंबल क्या होता है, फाई ई होता है। ये तो मैंने इसे बता दिया डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकली क्या आप कैसे ऐड करेंगे, तो मैथमेटिकली होता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए, अगर इसको गेट करना है फार्मूले की मेथड से तो फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, बात समझ में आए। लेकिन एक बात बताओ यार कि क्या जरूरी है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे धूम करके निकले परपेंडिकुलर निकले,
कभी ऐसे भी तो जा सकता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई? इधर जा रहा है इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, ई इंटू ए का मैंने प्रोडक्ट लिया है, फाइव का टू ई इंटू ए होता है। लेकिन देखो समझो थोड़ा ध्यान से ना, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ई और ए ऐसे जा रहे थे, ई और ए ऐसे जा रहे थे, एक ही तरफ होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, क्या ई और ए की दिशा में है? नहीं है ना। यहाँ पे ई क्या कर रहा है, ई के साथ एंगल बना रहा है, कितना एंगल, थीटा एंगल। ई क्या कर रहा है, ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन होगा इस पे, ई कॉस थीटा, इस पे क्या हो गया, साइन थीटा। अच्छा जब एंगल बना दिया तो अब हमें ये बताओ कि ई कॉस थीटा और ए दोनों एक ही तरफ आए ना, ई कॉस थीटा और ए, ई कॉस थीटा और ए दोनों क्या हो गए, एक ही तरफ आ गए। तो अब यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट e cos theta into a, e नहीं रहा, अब यहां पे e नहीं हुआ बच्चों, यहां पे क्या हो गया, e cos theta into a। भाई लिखा यहां पे if the electric field, if the e makes an angle theta with a, a क्या है, एरिया वेक्टर है भैया मुन्ना, यहां हो जाएगा phi equal to e cos theta into a। अब इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, phi equal to e cos theta, theta क्या याद रख लो, theta is the angle between, theta is what, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है थीटा। तो फाइव कर दिया हो गया ये कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ क्लास 11 में क्या लर्न किया, कि सर अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो उसको राइट कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी उसको क्या राइट कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो भैया यहां पे ये कॉस थीटा क्या रख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी कि पता चल गया, यानी कि पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट है, याद रख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मुझे लगता है यहां तक बातें समझ में आया होगा, कॉस थीटा होता है साइन थीटा क्यों नहीं होता, साइन थीटा इसलिए नहीं होता क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो वाला कॉम्पोनेंट, साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दर्शन में नहीं, सॉरी एरिया वेक्टर के साथ नहीं आता इस तरफ, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है ना इसलिए नहीं होता। कौन है, ई कॉस थीटा इधर ही जा रहा है ना, तो ई कॉस थीटा को ही लिया जाता है एरिया के साथ जो एंगल बना रहा है, यानी कि दोनों एक ही तरफ होते हैं, यूं ना कि यूं, ऐसा नहीं होता कभी। अगर आप ऐसे सपोज करेंगे ना दिक्कत हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे पैरल होगा, समझ समय में आया होगा। सो नोट डाउन और कुछ बातें और बताते हैं आप लोगों को, क्या हो गया था फॉर्मूला आया था, फाइव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, फाइव इक्वल टू ए कॉस थीटा, जहां पे ए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या था, एरिया वेक्टर, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड ए। इतनी बात समझ में आया। तो अच्छा फाई को इफेक्टिव कौन कौन करता, इसको थोड़ा मैं बात कर लेता हूं। ये जो फाई होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्यों नहीं सर, नो डायरेक्शन, कोई मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट दिख गया अगर कॉस आगे इसका मतलब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। अच्छा इसके यूनिट की बात कर दो, यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात मैं कर रहा हूं, डायमेंशनल फार्मूला भैया ये क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ एल टू, चार्ज नीचे है, चार्ज नीचे है ना ए टी, देखो सेट करो बढ़िया से पहले, एल टू एल थ्री हो गया, एम एल थ्री टी माइनस थ्री, एम एल थ्री, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये बच्चा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट न्यूटन मीटर पर, न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। फिर से स्क्वायर क्वांटिटी यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ML3T-3A-1 लर्न कर लो, ML3T-3A-1। अच्छा इफेक्टिव कौन करता है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंजमेंट करना है तो या तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दो, उसको कम ज्यादा कर दो, चेंज कर दो, या फिर एरिया को चेंज कर सकते हो। तो फाइ ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इज चेंज्ड बाय फर्स्ट चेंजिंग इन एरिया, एरिया को चेंज कर दो, ठीक है, कम एरिया होगा, छोटा सा एरिया कर दो, कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि अगर आप एरिया को बहुत मैटर होता है, यहां पे एरिया को किधर किस तरह कर रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर दोगे तो कुछ और अलग बातें हो जाएगी ना, तो ये सब बात आपको समझ में आना, ठीक है, उसको भी नोट करिए, फिर इसको फिर बताए बताते हैं आपको, पता हो गया ना। फाइ इक्वल टू होता है ये कॉस थीटा, ये करेक्ट है, बट कोई जिद करता है आपसे, कहता नहीं फाइ इक्वल टू ए साइन थीटा होता है, ये करेक्ट होता है, कैसे बताओ उसको प्रूव करके, देखो मैं बता रहा हूं, मान लिया आपके पास, आपको पता थीटा क्या होता है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, आपके पास ऐसा सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो अच्छे से फ्लक्स बना कि नहीं बना, देखो यहां पे सरफेस को, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, ढेर सारी जा रही है। अच्छा यहां पे फाई है कि नहीं है, फाई है, है भाई यहां पे फाई है, लेकिन यहां पे थीटा कर्ण कितना है, जीरो है, थीटा कर्ण जीरो है, तो यहां पे कॉजिबल वन तो होता ठीक आ जाएगा, लेकिन यहां पे फाई निकालो, ये साइन जीरो, फाई हमारा कितना आ गया जीरो, ये फार्मूला कहता है कि फ्लक्स है ही नहीं, लेकिन ये क्या कहता है फ्लक्स है, और फील भी करो देखो फ्लक्स वास्तव में है, यहां से फील्ड लाइन पास कर रहा है, यहां से फील्ड लाइन पास कर रहा है, फ्लक्स है, कौन बताया फ्लक्स है, उसको जब आप कौन सा इसे दे रहा है, कॉस वाला दे रहा है ना कि साइन वाला, तो साइन वाला क्या गलत हो गया। अच्छा ऐसा नहीं हो मैं यार, ऐसे देखो आपकी बार, ये ऐसे आपकी बार वो प्लेट आपका इस तरीके से हो गया, तो आपकी बार एरिया कहां है ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, इस तरफ सपोज दैट जा रहा है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, आपको क्या लग रहा है आपकी बार, यहां पे देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच आया ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था उसके पीछे से रख दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया कहां जा रहा है ऊपर, तो एंगल कितना बना 90, cos 90 कितना होता है जीरो, सही बात है, लेकिन यहां पे देखो क्या बन रहा है, sin 90 इक्वल टू क्या होता है 1, यहां पे phi दे रहा है, तो sin वाला जो फार्मूला है phi का लू ये sin थीटा, ये दोनों कंडीशन में फेल हो रहा है, जब हमारा फ्लक्स मिलता है ये फ्लक्स नहीं देता है, कहता फ्लक्स नहीं है, और जब फ्लक्स नहीं मिलता तो कहता है फ्लक्स है, तो इसका मतलब कौन सही है भाई, यही ना सही है, ये दोनों कंडीशन में हमारा खरा उतरता है, फाइव कर ये कॉस थीटा, आप फील भी किए, फील भी किए कि नहीं भी किए, ये खरा उतर रहा है हर कंडीशन पे, चाहे वो थीटा कर जीरो डिग्री पे हो, चाहे वो थीटा कर 90 डिग्री पे हो, ठीक है, ये फार्मूला हमारा खरा उतर रहा है फाइव कर ये कॉस थीटा, लेकिन ये फार्मूला खरा उतर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये फार्मूला हमारा क्या है, एकदम गलत है, फार्मूला कौन सा है, फाइव कर ये कॉस थीटा, तो फाइव कर ये कॉस थीटा इसका करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा फ्लक्स जो होता है कुछ इसके टाइप्स होती हैं, फ्लक्स जो होता है बच्चों उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, फ्लक्स जो होता है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
सेकंड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव क्या होता है इसको भी समझते हैं पहले। देखो अगर आपके पास कोई सरफेस में बना दूं ये करके ड्रिविंग करवा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो बाहर जा रही हूं, अगर फील्ड लाइन बाहर जा रही हूं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। 3 2 5 5 3 8 2 10 कितने हैं यहां पे 10 है, तो 10 क्या हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन अगर तुम सरफेस में कुछ अंदर जा रही हो ये देखो करके, अब की बार बाहर नहीं जा रही बाबू, याद रखिएगा मुन्ना, अब की बार आपका बाहर नहीं जा रहा, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि आउटसाइड। और यहां पर क्या होता है इनसाइड होता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से बाहर निकल रहा हो तो उसका पॉजिटिव बोल दीजिएगा, अगर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही हूं अंदर जा रही हूं अंदर, तो उसको क्या बोलोगे निगेटिव बोलोगे। तो मुझे लगता है तो बात समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ओके सो टेक इट सेम साथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है समझाए क्वेश्चन का मतलब पहले, ठीक है ये देख रहे होंगे क्या लिखा है सीबीएसई 14 इसमें आया था ये क्वेश्चन, करेक्ट गिवन है, ये गिवन है डाटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा है फाइंड ऑफ फाइव ई, फाइव मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, एक ऐसा सरफेस आपको 10 सेंटीमीटर वाइड जो क्या 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज, ये कैसा साइज इसका प्लेन क्या है वाई जेड एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि आपको एक सरफेस है वो सरफेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो जो हमारा सरफेस है ना, जो हमारा सरफेस है ये सपोज ऐसा कर सकते हैं वाई प्लेन के पैरेलल है ऐसे, तो अच्छा इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, किधर जाएगा एक्स एक्सिस की ओर, तो सबसे पहले एरिया निकालो, एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड कितना है इसका और 10 सेंटीमीटर 10 × 100 तो 100 × 10^-4, अब तो इसका दिशा किधर है एक्स की तरफ है, तो एक्स तरफ क्या हो जाएगा आई कर, इसको पहले सेट करो बढ़िया सा, हो जाएगा 10^-2 मीटर स्क्वायर और आई कर, ये हो गया इसका। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है 5 × 10^3 आई कर, आपको क्या निकालना है फाइव ए, तो आपको क्या पता है फाइव कल्ट होता है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर, बहुत ही फॉर्मूला फाइव कल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर, तो यहां पे रख दो फाइव इज इक्वल टू वेक्टर कितना है ये रख, आई कैप ये भी 10^-2 आई कैप, 3 × 2 = 10 कर दो 10 आएगा, पर आई कैप आई कैप कितना होता है 1 होता है आपको पता ही है सब, 10 × 5 = 10 याद रख लो भाई, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, ये हो गया 5 कर लू अगेन 50 यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, तो इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई प्लेन के पैरेलल इसका मतलब ऐसे था वाई हो गया ये जेड हो गया, ये क्या हो गया यक्स, ध्यान समझिए यक्स हो गया ऊपर वाई इधर क्या जेड,
तो ऐसे पैरेलल है, एलिवेटर किधर गया, इस तरफ, तो एंगल कितना बना है, जीरो। या कह सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो आई कैप होगा एरिया की सदिश। ठीक है, लगा लिया फार्मूला, नो डाउन। ये स्क्वायर टू अल्फा एक्स पावर वन अपॉन टू, यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस के तरफ अगर हम जाते हैं एक्स की तरफ इस पे, तो हमारा लैटिट्यूड कुछ इस तरीके से वेरिएट करता है। अब वाई एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और जेड पे भी क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अल्फा की बोलिए गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक्स क्या डिस्टेंस है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आप कितना दूर जा रहे हैं, ठीक है, कितना दूर जा रहे हैं वो दिया है। और एक वैल्यू दिया है 0.1 मीटर, एक वैल्यू कितना गिवन है 0.1 मीटर। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज टू क्यू, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज होगा उसी के बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो मैं समझा रहा हूं, समझिए ध्यान से पहले। अच्छा, इसमें कितने होंगे, एक इधर एक उसके पीछे, एक ऊपर एक इधर, एक यहां पे एक उसके पीछे, तो फ्लक्स किससे किससे बन रहा होगा। देखो 90 पे का, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 मतलब हो गया तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। कैसे पता चला, क्योंकि फाइव कल क्या हो गया, ए कॉस 90, तो कॉस आने मतलब क्या जीरो, तो कोई फ्लक्स नहीं। तो देखो कहां कहां पे बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां कहां पे बन रहा होगा, चलो देखते हैं कहां कहां बन रहा होगा। यहां पे देख लो एरिया कहां है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा एक्स पे है, तो 90 बना। सेम नीचे भी हो गया, यहां पे फाइव कल क्या हो गया जीरो, वैसे नीचे भी चीज है वही चीज है। यहां पे देखो, यहां पे देखो एरिया कहां जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इस तरफ, ठीक है। एरिया कहां जाएगा, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, इस तरफ। एंगल कितना बना भाई, एंगल कितना बना 90, कोई फ्लक्स नहीं। यानी कि चार फेज से, फोर फेज से कोई फ्लक्स नहीं मिला। लेकिन यहां पर देखो इस पे आपका एरिया इधर चला गया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इधर ही चला गया। तो यहां पर चांस है, यहां पर मिलेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा। और इसके इधर देख लो, एरिया इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया, इधर। यहां पे एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है ना। यहां पे फ्लक्स मिलेगा, यानी कि जो फ्लक्स मिलने वाला है फाइव, आपको किससे किससे मिलेगा, एक इससे, तो राइट वाले से मिल जाएगा फाइव ई आर प्लस, और फिर किससे मिल रहा है, लेफ्ट वाले से, बाकी सबसे नहीं मिलेगा, ये बात आपको पता चल गया होगा। अच्छा, तो फाइव का लू ये कॉस थीटा होता है, ए कितना है अल्फा, अल्फा कितना है 800, और एक्स लेफ्ट की बात की जाए, देखो लेफ्ट यही है, तो इसकी यहां से डिस्टेंस कितना है ए, और यहां पे एक्स लिखा है तो एक्स के सामने क्या रखना पड़ेगा ए, तो ए कितना है 0.01, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए के पावर 1 अपॉन प्लस, सॉरी कॉस थीटा आता है E, A, E हो गया। अब एरिया हो भैया, तो E की वैल्यू हो गया, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे बहुत ध्यान समझिएगा, E और A कितना है, A तो नहीं पता चला, A निकालना पड़ेगा। एक सेकंड देखते हैं, A दिया एक नहीं दिया है, तो साइड कितना है A है, साइड कितना है A है, ए स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, एरिया जो होगा, तो यहां पे एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, और एंगल यहां पे कितना बन रहा है, यहां पे 180 फाइव ए प्लस, इसके लिए आओ यहां पे लेफ्ट के लिए, राइट का हो गया, तो यहां पे 800। अब की बात देखो कितना डिस्टेंस है यहां से ए और ए, ये कितना हो गया 2a, टू ए का पावर 1 अपॉन टू, और ई हो गया, ये पूरा बच्चा हमारा ई था यहां तक, और ये ए, ये कॉस थीटा, यहां पे ई, ए कितना है ए, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस जे हो गया। अब यहां पे फाई ई इज इक्वल टू 800 ए स्क्वायर कॉमन है, 800 ए स्क्वायर कॉमन, यहां पे ए की पावर 1/2, और कॉस 180, कॉस 180 वाली कितनी होती है -1 होती है, और प्लस यहां पे कितना है 2 ए की पावर 1/2,
काजल बिल कितना हुआ, ये इतना आ गया। अब अच्छा यहाँ पे क्या करना है, आपको सजेशन दे रहा हूँ, पुट करो वैल्यू, पुट ए इक्वल टू 0.1 मीटर। आप यहाँ पे क्या करिए, ए इक्वल टू 0.1 मीटर पुट करिए, और पुट करने के बाद आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में होगा और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर कितना आएगा, 1.05। इसका जो आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चेक करके मुझे बताइए क्या आंसर करेक्ट है या नहीं। तो कैसे कैसे करना होगा, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। बस क्या करना था, ई कैसे चेंज हो रहा है, एक्स पावर अपॉन टू, मतलब कितना दूर चल रहा है ओरिजिन से, ये दूरी पे था तो ए हो गया, ये कितने डिस्टेंस पर है, टू ए पे है, यहाँ पे क्या हो गया, टू ए पे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एड एन इन द नेक्स्ट लेक्चर में इसका सवाल था। बच्चों आप इसका आंसर बताइएगा और अगले चरण में मिलेंगे कूलम्स लॉ, सॉरी गॉस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, गॉस थ्योरम पे, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।